नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा चुनाव अब कांटे की टक्कर का हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस सीट से दर्शन सिंह चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा बीजेपी से पिछले 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं और उनका मानना है कि प्रदेश की जनता को भाजपा हमेशा ठगती आई है। वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि अपनी संसदीय क्षेत्र का विकास कर सके। कांग्रेस अपने आप में हम अपनी बात लेके जाएंगे, मोदी जी के लोग मोदी जी की बात लेके जाएंगे, जनता को जिसका अच्छा लगेगा घोषणा पत्र हम जो रखेंगे। हम किसानों लोग बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करेंगे, उन्होंने 10 साल में क्या किया है बताएंगे। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि किसानों से वादा किया था कि हम 2700 गेहूँ खरीदेंगे, 3100 की धान लेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, लाडली बहनों को हर महीने 1250 से 250 बढ़ा के 6 महीने में 3000 करना था। सारी योजनाएँ फैल हो गई, आज तक किसी का मन नहीं किया। जनता में बहुत इसी बात को लेकर नाराजगी की वादा खिलाफी आपने की है, अब लोगों का भरोसा इनसे उठ गया है।